नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली में, दिल्ली के जो बवाना है, बवाना में पहुंचे हुए। बवाना में बड़े मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, बालाजी महाराज की, हनुमान जी की। और उसके बिल्कुल सामने इधर शनि महाराज जी का मंदिर है, शनि धाम है, जहाँ पर कपिल भगत है। वो लगातार कई सालों से झाड़े लगा रहे हैं। पहले वो सोनीपत लगाया करते थे और अभी उन्होंने दिल्ली में बवाना में ये झाड़ा लगाना शुरू किया है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कैसा आराम होता है, किस प्रकार की बीमारियों या समस्याओं से छुटकारा मिलता है, हम अभी अंदर चलेंगे और उन भक्तों से भी बात करेंगे, भगत कपिल से भी बात करेंगे कि यहाँ पर किन किन समस्याएं लेकर के लोग आते हैं और उनका क्या समाधान होता है। तो आइए मेरे साथ आप। तो हम अभी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार ऊपर दिखाइए, शनि धाम का जो ये सीढ़ियाँ हैं उससे अंदर आते हुए, और सामने आप देखोगे शनि देव जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई है इधर सामने, और उनके बिल्कुल बगल में ही, यहाँ बिल्कुल पड़ोस में ही जो हमारे भगत जी हैं, कपिल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। हाँ जी, अभी हम जैसे ही हमने एंट्री की है तो बड़ी चर्चा हो रखी है बवाना में सोनीपत, जहाँ पहले लगा रहे थे, तो ऐसा क्या जादू लगा रहे हो, क्या ऐसा आप कर रहे हो लोगों की समस्याएं लेके, सैकड़ों की संख्या में बाहर भी खड़े हैं लोग। देखो, पता नहीं है बाबा का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा चमत्कार है। देखो, कलयुग में चमत्कार होते ही है, वो श्याम बाबा ने यहाँ पे दिखा दिया तो वही चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ किस किस प्रकार की समस्या लेकर के लोग आते हैं? देखो, हर एक प्रकार की समस्या है, जैसे कोई भी बीमारी है, टीबी है, कैंसर है, या सर्वाइकल है, ये कहीं भी दर्द है, वेंटिलेटर पे हो, कुछ भी समस्या हो, हर चीज की समस्या। उसके बाद नशा छुड़वाया जाता सिर्फ एक धागे से। अच्छा। कोई लत हो, किसी भी प्रकार की लत हो, एक धागे से साथ की साथ विद इन सेकेंड छुड़वाया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ अगर कोई जो हमारे देखने वाले हैं या समस्याएं बहुत है जीवन में आम आदमी के, तो वो कैसे यहाँ पहुँचे या क्या क्या कुछ लेकर के आए आपके पास? कुछ नहीं, घर से आओ आप, घर से दो गाय के लिए रोटी बना के लेके आओ। अच्छा, ठीक है, वो गाय की रोटी यहाँ पे गौशाला में चली जाएगी और आपकी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, बस दो रोटियों का काम है, बस यही प्रसाद के। किसी का काम धंधा है वो नहीं चल रहा हो, किसी के घर में संकट है, भारी बीमारी है, वो सिर्फ दो रोटियों के माध्यम से हल। हाँ जी। और कितनी बार आना पड़ता है यहाँ आने वालों को? देखो, आने को तो बाबा से जुड़ाव हो जाए तो सारी जिंदगी आते रहो। जी, जी जी, वो तो एक जुड़ाव है सेवा के लिए। वैसे तो पांच बारी बुलाते हैं, पांच बारी में ये होता कि उसका जो भी है ना रूटीन, किसी भी बीमारी का, वो टूट जाता है, उसके शरीर से कॉन्टेक्ट टूट जाता है, तो वो कॉन्टेक्ट तोड़ने के लिए पांच बारी बुलाया जाता है कि वो बीमारी दोबारा से उनके पास नहीं आए। वैसे तो हजारों की संख्या में लोग आते होंगे। हाँ, ऐसे कौन से आपको भी जो बाबा का चमत्कार लगा हो, ऐसे कौन से लोग ठीक हुए जो लग रहा था कि भाई ऐसा अध्य बीमारियां हैं? देखो, बाबा का चमत्कार तो डेली होता है। अच्छा। दो तीन जो गूंगे बच्चे थे जी, जो मतलब बोल नहीं पाते थे, वो बोलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे साथ के साथ झाड़ा लग गया। और अभी आपने देखा उस लड़की को दिखता नहीं था, अभी साथ के साथ दिखने लग गया। अच्छा, दिख नहीं रहा था? दिख नहीं रहा था, अभी साथ के साथ दिखने लगा, तो चश्मे साथ के साथ उतर जाते हैं। पिछली बार पे व्हील चेयर पे एक लेडीज आई थी जिसकी हड्डी क्रैक थी 8 साल से, वो व्हील चेयर पे ले गया, यहाँ पे झाड़ा लगा साथ के साथ, वो खड़े हो गए, 5 परिक्रमा माँ की थी उसने। अच्छा। बिना किसी उसके। अच्छा। वो हड्डी साथ के साथ जुड़ गई। तो ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत है। अब पिछली बार 2 बंदे आए थे भाई, जिनके किसी का ICU में थे, तो ICU से वो यहाँ से इत्र लेके गए, उन्होंने कान के पीछे इत्र लगाया, साथ के साथ वो ICU में से बाहर आ गए। हाँ, ये चमत्कार हुए हैं, साथ के साथ होते, ये नहीं कि कल हो गए परसों हो गए, नहीं, अभी आए हो तो अभी चमत्कार हो गए जाएंगे। अच्छा। बस भगत जी, जैसे लोग आ रहे हैं, आप झाड़े लगा रहे हो, इत्र का क्या है, इत्र से आराम हो रहा है क्या? ये इत्र, देखो इत्र ना हमारे उसमें है ना धर्म में, खुशबू के लिए, देवी देवता को खुशबू के लिए यूज होता है, और इत्र की महिमा खाटू श्याम और गुगा जी गोरखनाथ जी में बहुत ज्यादा है। वो इत्री दवाई है हर एक चीज की। अगर किसी के जाड़ में दर्द हो, किसी के कुछ भी हो, आप क्या करो, श्याम बाबा का नाम लो, गोरखनाथ जी का, गुगा जी का, तीन नाम लो, उस इत्र को घर पे बैठ के लगा लो, कहीं से भी इत्र ले आओ दुकान से, जहाँ पे दर्द आपको इत्र लगाया, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, साथ की साथ आराम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मैं ये नहीं कि आप पे आने की जरूरत है, अपने घर पे बैठ के ही आराम हो जाएगा। अच्छा, घर में भी दवाई ये काम करेगी? वो बाबा घर पे भी काम करेगा, अगर किसी को बाबा का नाम ले, बाबा का नाम ले, वो साथ की साथ। धन्यवाद भगत जी। धन्यवाद, जय श्री।
तो अभी हम भगत कपिल जी के साथ थे, उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, जो जो लोग आते हैं और कई सारे लोगों की तो वो भी चर्चा हुई कि यहाँ व्हील चेयर पर आए हैं, कई और भी ऐसा दे बीमारियाँ लेकर के आए और लोग ठीक हुए हैं। हमारे साथ अभी आप पीछे दिखाइए, काफ़ी माताएं बहनें बैठी है जो यहाँ इस उम्मीद में, इस आशा से आते हैं कि जो भी कष्ट, क्योंकि अभी जीवन जो है इतना मुश्किल हो रखा है, बहुत सारी हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं, चाहे घर को लेकर, शरीर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, करियर से लेकर के है, तो हर एक प्रकार के लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ कुछ माताएं बहनें बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। आप कहाँ से आए हो? मैं नांगलोई से। नांगलोई से कौन सी बार आई हो? मैं तीसरी बार। तीसरी बार, क्या समस्या थी आपको? मेरे को थायराइड ज़्यादा हो रहा था और मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा ऐसा पेन हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे हो क्या गया है। अच्छा। ऐसा तो बॉडी मेरी फट जाएगी। अच्छा। इतना थायराइड हो गया था, लेकिन अभी मैं थर्ड टाइम आई हूँ यहाँ पे, आई एम कमिंग हियर थर्ड टाइम एंड आई एम कंट्रोलिंग। अच्छा, अब आराम है आपको? हाँ, और इन टेक आई हैव टू डिनाई मेडिसिन। नहीं नहीं, इन दिस टाइम, क्योंकि पहले होता ना कि एक भगवान जी पे भी विश्वास होता है, फिर हम, मैं भी ये देखना चाहती थी कि हाँ मैं दवाई से इंटेक कर सकती हूँ कि दवाई से हो रहा है, या तो इनकी भी कृपा है। जी जी, कृपा है। आप पढ़े लिखे हो, क्या करते हो आप? आई एम टीचर। टीचर हो आप? तो लोगों ने आपको सलाह नहीं दी कि दवाइयाँ लीजिए, झाड़े झप्पे में क्या पड़ा है ऐसे? देखो, सब चीज़ अपनी जगह मायने रखती है। देखो, दवाइयाँ अभी साइंस अपनी जगह है और ये जो सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ये एक बात बताइए, आप भी बताइए, हम लोग जब सुबह निकलते हैं घर से, भगवान की पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं? हमारे अंदर एक आस्था है, हम लोग एक आस्था लेके, विश्वास होता है हम लोगों के मन में, तो ये हमारे एक यूँ लगा लीजिए कि हम लोगों के अंदर विश्वास है, विश्वास के बाद ही हम कुछ जीत कर सकते हैं। विश्वास में ताकत है। बिल्कुल है, मतलब परमात्मा आपकी सुनता है फिर। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद बहन जी। थैंक यू। तो हम और भी जब बैठे हैं सबसे बातचीत करेंगे जो भी। हाँ जी, राम राम माता जी। राम राम जी। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? रोहिणी सेक्टर 15 से। रोहिणी सेक्टर 15 से। हाँ जी। अच्छा, कौन सी बार आई हो? पहली बार आई। पहली बार आए तो कहाँ से सुना आपने कि यूट्यूब से आराम होता है? यूट्यूब से सुना। अच्छा, यूट्यूब पे देखा आपने। तो यहाँ जो अभी और भी लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत हुई आपकी? को दूसरी बार, को तीसरी बार आया होगा। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं लोग? कोई कह रहा आराम है। अच्छा। कोई कह रहा अभी नहीं है। अभी नहीं? हाँ जी। अच्छा, अभी दो दो तीन तीन बार लोग आए हैं। हाँ जी। हाँ, किसी के हुआ है? हाँ जी। किसी के नहीं हुआ? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, राम राम जी। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से कौन सी बार आए हो? पाँचवीं बार। पाँचवीं बार। तो क्या समस्या? मेरे को बीपी लो रहता था बहुत, और चक्कर आते थे, सिर में दर्द। तो बीपी लो में और सिर दर्द में तो आराम है, चक्कर में भी इतना आराम नहीं है। अच्छा, अभी कुछ आराम है, कुछ नहीं है? हाँ नहीं, सिर दर्द में आराम है, बीपी में भी काफ़ी आराम है मुझे। ओके, ओके। लेकिन चक्कर में इतना नहीं है अभी आराम। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। आप कहाँ से आए हो? सोनीपत से। सोनीपत से। आपको क्या समस्या थी? पैरों में दर्द था। अच्छा, पहले से आराम है? पहले से आराम है। कितनी बार आ गए आप? पाँचवीं बार। पाँचवीं बार। तो साथ आप सब देखने वाले, अब मैंने भगत जी से भी बातचीत की, आई हुई माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उनसे भी बातचीत की, और आप तक ये बात पहुंचाने का बस मकसद यही है कि परमात्मा है, विश्वास करने से मिलता भी है, दया भी होती है और कृपा होती है, लोगों ने आपको बताया भी है। तो ये साइंस का ज़माना है, कुछ लोग मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ये आपके खुद के विवेक पर निर्धारित करता है। तो हम बवाना दिल्ली में आए हुए थे, कपिल भगत जी जो यहाँ झाड़े लगाते हैं, उनसे हमने मुलाकात करवाई। तो देखिए, सामने यहाँ श्याम जी का दरबार लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले यहीं पे ही जो कपिल भगत हैं वो झाड़े लगा रहे थे, अभी बीच में कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए और वो गए हैं। तो हम इसी प्रकार से गांव-गांव जाते हैं जहाँ लोगों को आराम होता है, वो बात आप तक पहुँचाते हैं। तो और भी इसी प्रकार से जुड़े मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।